और मैं क्या जय भीम। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ लंदन वाले बाबा साहब के घर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भी मेरी जान, मैं हूँ आरजे जैकी आपके साथ। कैसे आप सब लोग, सब बढ़िया? हाँ जी, मतलब सब बढ़िया चलना चाहिए। और आपका जिस तरह से प्यार रहा 14 अप्रैल के वीडियो के लिए, व्लॉग के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात बता दूं कि मैं लंदन नहीं गया हूँ, हमारे एक भैया है वो लंदन गए हैं और उन्होंने बाबा साहब का घर एक्सप्लोर किया और वहां पे जाके उन्होंने वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा यार ये भैया आप वीडियो मुझे दे दीजिए, हमारे जो जय भीम फैमिली है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बाबा साहब का लंदन वाला घर कैसा है। तो चलिए अब ये कैमरा हम हैंडल करते हैं भैया को, और भैया जी शुरू हो जाइए, बताइए हमें बाबा साहब का घर कैसा है। तो फाइनली पहुंच गया बाबा साहब अपने घर के घर पे। ये जो है इसमें नहीं दिखेगा ठीक से। हाँ, मतलब जब तक भैया अपना कैमरा सेट करते हैं तब तक मैं आपको भैया के बारे में बता दूं कि ये भूषण भैया हैं, ये लंदन गए हैं यूके पढ़ने के लिए और वहाँ पे जाके उन्होंने ये बढ़िया सा वीडियो बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो मुझसे शेयर किया ताकि मैं हजारों लाखों लोगों तक शेयर कर सकूं। बाबा साहब का घर देखने की मतलब जो इच्छा थी, लंदन वाले घर देखने की जो इच्छा थी वो मेरी बहुत सालों बाद पूरी हुई है। मतलब साक्षात वो घर हम कभी ना कभी लंदन जाके देख लेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो के थ्रू आप हमें ये घर बताइए। ये जो पीछे दिख रहा है दैट इज बाबा साहब अम्बेडकर का घर, जो 1921 और 1922 में वो रहे थे यहाँ पे, जिसका अभी ओपन होने की राह दिख रहा हूँ। 11 बजे ओपन होगा, अभी 10 बज रहा है। सो बाद में मैं अंदर का टूर कराऊंगा। बस अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं बाबा साहब के घर पे। वो सारी जो भीड़ दिख रही है वहाँ पे, ये जो भीड़ है वो सारी उन्हीं के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। दिस इज हाउस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। फर्स्ट फ्लोर ऑफ उनका घर, उनके लेटर्स, बुक्स, स्टडी एरिया सब रखा हुआ है। रेलवे स्टेशन है, मेट्रो ट्रेन प्रोबेबली, वहाँ से जस्ट बगल में घर था इनका। सो नीचे कंपाउंड है, इट इज सो गुड एंड एग्जैक्ट 100 ईयर हुआ। ये रूम से बाहर निकल के सीधा ट्रेन स्टेशन, रूम से बाहर निकल के ऊपर भी एक फ्लोर है। दिस सिमिलर टू द प्रीवियस, दिस वाज शायद उनका बेडरूम। नाइस। उनका स्पेक्स,
स्टडी रूम। वाओ, आई एम जस्ट अमेज नाउ और मैं काफ़ी लकी हूँ कि ये सब मुझे देखने को मिला। हालांकि फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको इनका घर के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कोई अपना जाता है और वहाँ पे वीडियोस बनाता है और उसे मैं एडिट करके अभी मतलब पैकेज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो ये घर पे गए हैं, कैसा लगा, आप उस समय क्या सोच रहे थे, वो जरा एक्सपीरियंस आप हमारे जैबीम फैमिली से शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो लंदन का घर था, वहाँ पहुँच के एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होता है, और ख़ासकर जब ये सोचा कि वो एग्जैक्ट 100 साल पहले 1921 एंड 22 में उसी घर में रह के लॉ का पढ़ाई किया था, जिस लॉ की पढ़ाई के बेसिस पे अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। सो काफ़ी एक पॉजिटिव और एक काफ़ी एनर्जेटिक वाइब्स आई वहाँ पे। वहाँ पे उनका स्टडी एरिया है, वहाँ पे उनका बेडरूम है जहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा थिंकिंग किया होगा। सो उस चीज़ ने काफ़ी मेच्योरिटी और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिया मेरे को वहाँ पे। क्या बात है, पॉजिटिविटी तो हमें यहाँ पे फील हुआ, अच्छा लगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा व्लॉग है, अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग है, कैसा लगा ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल अभी 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 जय भीम फैमिली के पास पहुँच चुका है, तो जल्दी इसे कंप्लीट कराएं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का कहने का जय भीम। अरे एक मिनट, जय भीम के आगे एक और चीज हम बोलते हैं, जय भीम मेरी जान। हाँ, अब एंड कर।